प्रधानपति पंचायत करने के लिए पहुंचे, मारी गोली, हुई मौत। कन्नौज जनपद के जलालपुर अमरा प्रधानपति की गोली मारकर हुई हत्या से गांव में मचा हड़कंप। पंचायत में विवाद सुलझाने को बुलाया गया था प्रधानपति रामशरण को। गांव के ही 5 लोगों पर गोली मारकर हत्या करने का लगा आरोप। घटना की जानकारी पर पहुंचे एसपी और सीओ छानबीन में जुटे। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। आगे की कार्रवाई शुरू हुई। कन्नौज कोतवाली क्षेत्र के हीरापुरवा गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर पंचायत में विवाद को सुलझाने के लिए प्रधानपति पहुंचे थे, वहीं प्रधानपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव के ही 5 लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाया गया है। चाचा के गोली मार दी। किसने मारी है? शाम बिहारी और हेमचंद और टिंकरी और राहुल और बबलू। अरे चाचा थे हमारे, तो इनको जैसे संतराम के घर पंचायत के लिए बुलाया गया, तो जो वहाँ गए, फिर उसके बाद में वो लोग, मतलब इनका पहले से कोई कमेटी होगी, वो लोग वहाँ थे। उसके बाद में वो शाम बिहारी, हेमचंद और वो बबलू और वो टिंकरी और उसके बाद में राहुल, ये 5 लोग वहाँ थे। तुमने पंचायत के लिए बुलाया फ़ोन करके? घर पे अपने वहीं मार दिए। क्या पंचायत, किस बात को लेकर पंचायत चल रही थी? संतराम के यहाँ पंचायत थी। था क्या, हुआ क्या था, क्या पंचायत में चल रहा था? पता नहीं सर क्या पंचायत थी, हो ही नहीं पाई वो लोग। मतलब आपके पिताजी हैं इनको? चाचा हैं। बुलाया गया था वहाँ पे जी? क्या कह के बुलाया गया था? प्रधान है जैसे। क्या कह के क्या बुलाया गया था? पंचायत करना है, निपटाना है जी। कहाँ का मामला है? किसने बुलाया? हीरापुरवा। बुलाया किसने था? संतरा राहुल ने। राहुल ने, तो क्या कोई पुरानी रंजिश भी, इससे पहले भी कोई विवाद हुआ था? रंजिश कोई पुरानी नहीं। चुनावी कोई रंजिश ऐसे हो सकती? नहीं। विवाद, कोई विवाद का कारण पता है? पुरानी कोई रंजिश थी ना, कोई विवाद था, मतलब विवाद पंचायत सुलझाने के लिए बुलाया गया था पंचायत। तो इनको क्यों, इनको क्यों बुलाया गया था? उन्होंने इनको क्यों बुलाया गया था? ये प्रधान है, प्रधानपति थे, इनकी पत्नी प्रधान, प्रधान जी से पत्नी है हमारी, यही तो जाती सुलझाने के लिए बुलाया गया था। कौन गाँव का मामला है? हीरापुरवा। जनपद कन्नौज के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति की बीती रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना उस समय हुई जब एक युवक और युवती के प्रेम प्रसंग के चलते उस व्यक्ति को सुलह करने के लिए बुलाया गया था। वहां पर प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जो युवक था उसने गोली से इसकी हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। हमारे लगातार प्रयास जारी हैं, बहुत जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।